वेलकम टू माय चैनल दिव्या शर्मा हेल्थ टिप्स। एक्चुअली चैनल का नाम थोड़ा चेंज हो चुका है, पहले दिव्या शर्मा था, अब दिव्या शर्मा हेल्थ टिप्स हो चुका है। दोस्तों, और मैं हूँ दिव्या शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, टॉक्सिन से फ्री कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही प्लान बताने जा रही हूँ जो पूरी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री कर देगा, बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। इसके अलावा बॉडी तो डिटॉक्स होगी ही होगी, साथ ही साथ आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, यानी कि हेल्दी लाइफ हो जाएगी। इसे आप महीने में एक बार कर सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किन लोगों ने इसे हफ्ते में एक बार करना है और किन लोगों ने इसे महीने में एक बार करना है। तो दोस्तों, मैं हूँ एक वेलनेस कोच जो आज आपको बॉडी डिटॉक्स के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप सुबह कितने बजे उठते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिस दिन भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने वाले हैं, अपने बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करने वाले हैं, उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, यानी कि 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद आपने 3 गिलास गुलगुला पानी पीना है और फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होना यानी पेट को साफ करना जरूरी है। तो उसके लिए अगर आपको फ्रेश होने में दिक्कत आती है तो आप टहल सकते हैं, घुटनों के बल बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेश होने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, ऑयल पुलिंग करनी है। एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल लेना है आपने 1 चम्मच और उसे अपने मुंह में घुमाना है। घुमाने के बाद 5 मिनट ऐसे ही रखिए। उसके बाद जो ऑयल मुंह का है उसे थ्रो आउट कर देना है, बाहर फेंक देना है। इस तरह से ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग करने के जस्ट बाद आपने पानी नहीं पीना, ना ही मुंह में कुरला करना है, लेकिन 10 मिनट के बाद आपने ब्रश करना है। ब्रश करते टाइम तो आप नॉर्मली ब्रश करेंगे, लेकिन टंग को यानी जीभ को क्लीन जरूर करना है। जो टंग क्लीनर आता है, जीभ को क्लीन करने वाला आता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपने अपने टंग को क्लीन करना है, साफ करना है। दोस्तों, उसके जस्ट बाद आपने क्या करना है, पूरे दिन का आपको बता रही हूँ। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा, अगर हर एक इंसान पूरे महीने में एक बार भी कर लेगा तो हमेशा लाइफ टाइम स्वस्थ रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आपने 1 नींबू डाल देना है, नींबू का रस, 2 चम्मच नींबू का रस डाल देना है और 1 चम्मच शहद डालकर आपने इसे गट गट करके नहीं पीना, बल्कि सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है। इसे पीने के बाद आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, गर्म करना है। आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वॉक करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, यानी कि कुछ ऐसे प्राणायाम है जो रोजाना करने चाहिए, चाहे आप 5-5 मिनट के लिए करिए। दोस्तों, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये आपने 5-5 मिनट के लिए सही है, लेकिन जरूर करने हैं। इसके बाद दोस्तों नाश्ता कब करना है, इसके 15 से 20 मिनट के बाद आप नाश्ता लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, नाश्ते में कुछ भी ऐसी चीज नहीं लेनी जिसे आपको पकाना पड़े, यानी कि फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स के अंदर आप कोई भी फल ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, आप पपीता ले सकते हैं, आप तरबूज ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाय पीते हैं और आपका चाय पीने का मन करता है, तो जब भी चाय पीने का मन करे तब आपने वही नींबू वाला जूस यानी 1 गिलास गुनगुना पानी, उसके अंदर 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिक्स करके आपने पीना है। यानी कि दिन में कम से कम 4 बार ऐसा ही पानी बनाकर पीना है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैं एक दिन का बता रही हूँ, आपने रोजाना इसे फॉलो नहीं करना। ये नहीं है रोजाना आपने कम से कम 4 बार आपने नींबू पानी पीना है, ऐसा नहीं बोल रही, सिर्फ एक दिन के बारे में बता रही हूँ जो कि बॉडी को डिटॉक्स करेगा। उसके बाद बात आती है लंच की। लंच में आपने क्या लेना है, आप मूंग की दाल लीजिए, इसके अलावा आप 1 कटोरी के करीब ब्राउन राइस ले सकते हैं और इसके साथ आप पुदीने की चटनी ले सकते हैं। आपने रोटी नहीं लेनी, चपाती नहीं लेनी, यानी कि ध्यान रखिएगा इस दिन आपने सॉलिड फूड, हैवी फूड आपने नहीं लेना। उसके बाद आप 2 घंटे आराम करिए। 2 घंटे आराम करने के बाद शाम के समय जब आप चाय पीते हैं तो फिर आपने नींबू वाला पानी वैसा ही तैयार करना है और फिर दोबारा गुनगुना पानी सिप सिप करके पीना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पानी की प्यास लग रही तो पानी पीजिए, लेकिन जो नींबू पानी पीने का समय है वो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, इसके बाद जब रात को डिनर करना है तो डिनर में सॉलिड कुछ नहीं लेना। आपने क्या करना है, दाल का सूप ले सकते हैं, आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं और सैलेड खाइए। रात को सोते टाइम भी आपने किसी भी तरह का चावल, चपाती कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। ध्यान रखिएगा, एक चीज बहुत जानने वाली है कि हमारी बॉडी टॉक्सिन्स फ्री यानी बॉडी डिटॉक्स तभी होती है जब हमारा पेट खाली होता है। अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं होंगे। तो पेट का उस दिन खाली रहना और हल्का फूड खाना बहुत जरूरी है। तो ये आपके पूरे दिन का शेड्यूल हो गया। तो ध्यान रखिए, एक चीज आपको जनरली बता देती हूँ जो मोस्टली आपको ध्यान रखनी है कि खाना खाने के बाद
कम से कम 40 या 50 मिनट के बाद अगर आप सोते हैं, यानी खाने को थोड़ा सा नीचे करके अगर आप सोते हैं, तो आपको नींद भी अच्छे से आएगी और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज खाना खाने के 5 या 7 मिनट के बाद आप सो जाते हैं तो खाना यहाँ गले तक ही रहता है और आपको बिल्कुल भी डाइजेशन के, आपकी बॉडी के डाइजेशन का समय स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन वो खाना सड़ेगा। दोस्तों ये था पूरे दिन का प्लान। एक चीज आपको जनरली सी बताती हूँ कि हमें अपनी बॉडी को रोज डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है। जिनको कब्ज रहती है वो हफ्ते में एक बार करें, यानी कि संडे के संडे कर लें, और जिनको कब्ज की समस्या नहीं है, पूरे हेल्दी हैं, वो 15 दिन में एक बार करें। और जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं और हमारे पास समय भी नहीं है, लेकिन वो महीने में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। अदरवाइज हर एक इंसान को 15 दिन में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। दोस्तों बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बच्चे 10 साल से बड़े हैं वो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग मैदा ज्यादा खाते हैं उन्हें हफ्ते में एक बार जरूर करना चाहिए। हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसे लगता है मोटापा ही हमारी बीमारियों का कारण है और आप इसे दूर करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप हमें यस लिखकर भेजिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फैट से फिट होना है, अगर आप बहुत पतले हैं तो कैसे आप अपने आइडियल वेट बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिव्या शर्मा हेल्थ टिप्स, ध्यान रखिएगा।